नवी मुंबई तुरभी में अरफा नामक ऑफिस है जो बरसों से लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी के कारोबार को बड़े आसानी से अंजाम दे रहे थे। विदेश भेजने के नाम पर अब तक सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। इस दफ्तर के मालिक पर करोड़ों रुपयों की ठगी का आरोप लगा है। हम आपको बता दें कि अरफा के दफ्तर में ठगी का शिकार बने ज्यादातर यूपी बिहार गुजरात राजस्थान के युवक हैं। अरफा के दफ्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इमिग्रेट वालों ने सील लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये सील लगा हुआ ताला। फिलहाल दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ठगी का शिकार बने युवक अब अरफा के दफ्तर पर लटका हुआ ताला देखकर ये सोच रहे हैं कि विदेश जाना तो दूर, अब खून पसीने की गाड़ी कमाई भी हाथों से गई। हमारे प्रतिनिधि ने ठगी का शिकार बने युवकों से बात की। अभिमन्यु जी, ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो रहने वाला बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हो? हाँ। आपको कैसे पता चला कि ये जो ऑफिस है यहाँ पर, ये विदेश भेजती, कैसे मालूम पड़ा आपको? एक पेपर में हमने वांट आया था इसका, तो हमने पढ़ा था, उसके बाद से यहाँ पे जी। यहाँ पे आने के बाद ये बताइए कि आपको क्या बोला गया? बोला गया कि शिपयार्ड में आपका जरूरत है जी। मतलब उसके हिसाब से आपको बोला गया कि अभी 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के बाद, उसके बाद इंटरव्यू लिया गया, उसके बाद से बोला गया कि आपका सैलरी 45,000 रुपये लगेगी। उसके बाद से फिर मेरे को मेडिकल करने के लिए भेजा गया, मेडिकल करा के उसके बाद पैसे 17,000 रुपये मुझसे जमा ले। कुल पैसे कितने रुपयों की मांग की गई थी विदेश भेजने के नाम पे? कितने पैसे मांगे गए थे? 17,000 रुपये। 17,000 में आपको विदेश भेज देगा? और कुछ ऊपर देने नहीं था? नहीं। कितने महीने हो गए आपको पैसे दे के? 6 महीने। 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में कितनी बार इस ऑफिस से संपर्क किया आपने? बहुत बार किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वही दूसरे युवक का कहना था। अमावस जी, ये बताइए कि आज आप इस दफ्तर के करीब खड़े हैं, इस दफ्तर में विदेश भेजने के लिए जो आपने कितने पैसे भरे थे? 17,000 रुपये भरा था। 17,000 रुपये उन्होंने मांगे थे, कुल मिला के और भी ज्यादा उसको देना था बाकी? और मांग रहे थे 10,000, और वो बोले कि फ्लाइट होएगा तभी 10,000 और भरना पड़ेगा। अच्छा, फिलहाल में 17,000 भरना पड़ेगा। तो किस कंट्री में जाने वाले थे आप? कनाडा। कनाडा में किस पोस्ट के लिए? एसी टेक्नीशियन के लिए। कितना महीना पहले आपने पैसा भरा यहाँ पे? अभी ये आएगा 24 तारीख, तो 3 महीना हो जाएगा। 3 महीना हो जाएगा। तो पैसा भरने के बाद क्या क्या प्रोसेस क्या हुआ, ये बताइए आप। मैं आया अभी इंक्वायरी के लिए, तो इधर बंद है। नहीं, अभी आपने जैसे बताया कि मेडिकल वगैरह हुआ? हाँ, मेडिकल हो गया। कहाँ पे मेडिकल हुआ? मेडिकल ग्लोबल 5 हेल्थ केयर वासी में हुआ, वासी डिपो से कुछ कदम आगे जी। मेडिकल के लिए कितने पैसे आपने भरे? 6,500 दिए। 6,500 भर दिया आपने। तो अभी जिस तरह से इस दफ्तर पे ताला सील लग गया है, अब आगे आप क्या करने वाले हैं? अभी तो हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। अरफा इंटरनेशनल के 2 पार्टनर फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में पहुंच गए हैं और 2 अभी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के विषय में एपीएमसी पुलिस थाने के एपीआई पुष्पलता दिगे ने मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। आज सकाळी इमिग्रेशनच्या अधिकारी व त्यांचा स्टाफ पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी अरफा इंटरनॅशनल विरोधात तक्रार दाखल केली। दाखल केल्यानंतर आम्ही स्वतः इमिग्रेशनचा स्टाफ आणि पोलीस स्टेशनचे PI टेळेसाहेब आणि स्टाफ असे जाऊन त्या ठिकाणी छापा टाकला। तिथे हजर असलेल्या लोकांच्याकडे चौकशी केल्यानंतर असं समजलं की त्यांचं लायसन्स सस्पेंड झालेलं आहे। त्यानंतर इमिग्रेशनच्या अधिकाऱ्यांनी आम्ही स्वतः मिळून तिथले ऑफिस सील केलं। तेथील काही मुद्देमाल जप्त करून पोलीस स्टेशनला येऊन तिथे हजर असणाऱ्या लोक आलेल्या अर्जदार लोकांच्याकडे पण माहिती घेतली, तर तिथे त्यांचीही फसवणूक झालेली त्यांनी सांगितली। सुमारे आज 1,68,000 रुपयाची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले, त्यावरून आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। आणि मॅनेजर भरत बन्सीलाल देवरे व HRO कुणाल ब्रह्मक्षत्रिय यांना, दोघांना अटक केलेली आहे। तसेच श्रीमती पांडियन यांच्या नावे लायसन्स आहे आणि त्यांचे पती रवी पांडियन हे ते चालवतात, ते दोघंही अद्याप अटक नाही आहेत। फिलहाल पुलिस अभी ठगी के शिकार बने युवकों की लिस्ट बना रही है, लेकिन सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि अरफा इंटरनेशनल अब तक करोड़ों रुपयों के वारे न्यारे किए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं फिलहाल इस वक्त तुरभी स्थित खड़ा हूं, जहां पर एक कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया गया है जो विदेश भेजने के नाम पर ठगी के कारोबार को चला रहे थे और जिसमें सैकड़ों लोग ठगी के शिकार बन गए। जी हाँ, फिलहाल पुलिस इस बात को खंगाल रही है कि कितने लोग ठगी के शिकार बने हैं। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए के ठगी किए गए हैं। फिलहाल APMC पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसे में देखना होगा कि कितने लोग और अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं। मैं गोपाल साहब, कर्नाला TV न्यूज़ के लिए।